यहाँ पे छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है, बेसन और पानी। दूसरी तरफ एक बर्तन में मैंने सबसे पहले बेसन डाल लिया है, ये 1/3 कप बेसन है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और एक रनिंग सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है दोस्तों ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस इसे अच्छे से देखिए, इस तरह से रनिंग बैटर बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने घिया को ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा इसके अंदर लौकी आपने ऐड कर रखी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरी तरफ एक नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और उसके ऊपर बेसन का ये बैटर अच्छे से फैला दूँगी। थोड़ा सा घी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, लो को मीडियम पे रखेंगे। बस इसे टर्न कर दिया है मैंने, बस अलट पलट के बहुत ही क्रिस्पी इसको सेक लेती हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने पनीर को ग्रेट करके रख रखा है। अगर आपको मेरी रेसिपीज, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पनीर को लगा दिया, अच्छे से डाल दिया इस पर। ये बहुत ही डिलीशियस, आप बच्चों को सर्व करिए सॉस के साथ, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। छोटे बच्चे, 1 साल से 2 साल तक के बच्चे और ऊपर भी आप दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रेसिपी आप ना पहले से ही बना के रख सकते हैं, बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर 1/2 कप सूजी ऐड करी है। दोस्तों इसको चलाते चलाते बहुत ही अच्छे से भून लेना है, कलर एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों ये रेसिपी बच्चों को। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और बना के रख सकते हैं पहले से, वो मैं आपको सब दिखाऊँगी। आप इस रेसिपी में बने रहिए। फ्लेम को लो ही रखा है, सूजी को बहुत ही अच्छे से भून लेना है हमें। बस चलाती रहूँगी, फ्लेम को लो रखूँगी और सूजी को बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। देखिए दोस्तों हमारी सूजी लगभग भून गई है। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और काजू लिए हैं, इसको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सी में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बस मैंने ग्राइंड कर लिया दोस्तों, इस सूजी में ही मैंने ये ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया और बहुत अच्छे से इसको सूजी के साथ ही भून लूँगी। अभी 3 से 5 मिनट्स के लिए और भून लूँगी। अगर आपको घी ज़्यादा कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। सूजी देखिए दोस्तों हमारी अच्छे से भून गई है, इसे ठंडा करके आप एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। बस जब भी आपको चाहिए आप नाप के सूजी ले लें, उसे 4 गुना पानी और जितनी सूजी लिए उतनी ही चीनी ऐड कर सकते हैं, या आप चेकरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए, कंसिस्टेंसी को इसकी ठीक कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी आपका ये हलवा सूजी का
बनके रेडी हो जाएगा, बहुत झटपट बन जाएगा। आप पहले से इसे भून के रख सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जिसे बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। आप इसको बना के पहले रख लीजिए। देखिए एकदम गरम गरम हलवा 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।